नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 7 से 30 तारीख तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। मंगल जो है वो कर्क राशि में भ्रमण करेंगे पूरे ही महीने। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरे ही महीने। और सूर्य जो है वो 16 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शनि मार्गी हो रहे इस महीने 15 तारीख को, यानी कि 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि लग्न में ही स्थित है और वक्र अवस्था में है 15 तारीख तक। देखिए, ये जो अवस्था है कि जहां पर शनि वक्री है, तो शुरू के 15 दिन मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ बना हुआ रहेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन जाती है, क्योंकि यहाँ जो भी टेक्निकल लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और आईटी क्षेत्र के अंदर है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, तो प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। मगर शनि वक्री है और मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से किसी भी प्रकार के झगड़े में शुरू के 15 दिन में पड़ने से बचना चाहिए। शनि का मार्गी भ्रमण होगा, वो एक तरह से कहा जाए कि आपके चीजों को स्लो डाउन करेगा। मतलब आप जो भी कर रहे हैं वहां पर जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, या जहां पर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, यानी कि यहाँ संघर्ष के अंदर कमी आती है। और व्यक्ति जो काम करता है वो ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कर पाता है। और यहाँ पर मार्गी होने से रास्ता आसान होगा। यहाँ चीजें आप जिस प्रकार से करना चाहते थे वैसे कर पाएंगे। और मुझे लगता है एक बहुत फायदेकारक परिस्थिति है 15 तारीख के बाद की। मगर शुरू के 15 दिन आपको अपने स्वभाव में शांति रखनी है, किसी भी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु बनकर वक्र अवस्था में है। चतुर्थ भाव में राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए, ये जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि यहाँ पर फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, और स्पेशली अगर वो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो तो। राहु यहाँ पर स्थित है, वो बहुत व्यक्ति न्यायप्रिय बात करता है, बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन के साथ बात करता है। मगर हो सकता है कि आपकी बात करने की वजह से शायद परिस्थितियां ज्यादा खराब हो जाए। तो हो सके वहां तक, ये समय में जहां पर गुरु का वक्री भ्रमण भी है और शनि का भी वक्री भ्रमण है, तो 15 तारीख तक आपको यहाँ पर भी बहुत संयम बना के रखना है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेविंग्स के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मुझे नजर नहीं आती। और जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है, अपनी सेविंग्स को खराब मत कीजिएगा कहीं पर। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश आपके 6th हाउस में है। देखिए, मंगल नीचस्थ है, कोई स्थान परिवर्तन मुझे लगता है इस समय में कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप फैमिली बिजनेस में है, ज्वाइंट बिजनेस में है, या कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस महीने आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके वहां तक मंगल का नीचस्थ भ्रमण, अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या उनके साथ पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेने से पहले इस समय के अंदर कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। यहाँ बहुत ज्यादा मुझे फायदेकारक परिस्थिति नजर नहीं आती। ये एक बहुत रिस्क टेकिंग एटीट्यूड से अभी आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश जो है शुक्र बनकर पहले दशम भाव में, फिर 11th हाउस के अंदर। देखिए, यहाँ गुरु का वक्री भ्रमण भी है, तो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ तो मिलेगा, मगर डीलेस के साथ आपको विवाद भी होगा अगर हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद है तो। दूसरी चीज, यहाँ कंस्ट्रक्शन के पीछे एक्सपेंस हो सकता है। कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि ओवर एक्सपेंस कर दे आप कोई भी जगह पर जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी में आपको लाभ है, मगर कहीं ना कहीं कुछ विवाद होगा जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। मगर मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें होती है तो ही आपको रिजल्ट प्राप्त होता है।
और यहाँ शुक्र का दृष्टि संबंध जो रहेगा वो 7 तारीख तक ही है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे, ये एक बहुत गुरु और सूर्य का एक दृष्टि संबंध बनेगा 15 तारीख के बाद। तो ये एक मुझे लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कनेक्टेड कोई काम करना चाहते हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी 15 तारीख के बाद। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश बुध बनकर आपके दशम भाव में है, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए तो फायदेकारक परिस्थिति है। 15 तारीख के बाद स्टूडेंट को बहुत लाभ है, और मुझे लगता है जो भी एमबीए के छात्र हैं या जो मेडिकल के छात्र हैं, जो आईटी क्षेत्र के छात्र हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र के छात्र हैं, उन सभी के लिए लाभकारी परिस्थिति है। और मुझे लगता है कि जो आपने मेहनत करी है उस चीज का आपको रिजल्ट दिखेगा। मगर 15 तारीख के बाद की परिस्थितियों में तुमको संघर्ष कम करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो परिस्थिति है कि लव रिलेशनशिप डेफिनेटली मुझे आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, और शायद इस पॉइंट पे कोई भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे, और ये परिस्थिति आपको फेस करने को मिलेगी। शेयर मार्केट से मुझे लगता है आपको फायदेकारक परिस्थिति है। कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप काम कर सकते हैं। लोन लेकर आप कोई भी प्रकार का काम करते हैं तो नहीं करना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में मंगल है, नीचस्त है। आई थिंक लोन की प्रक्रिया को इस महीने के लिए आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर बहुत बड़े लोन की तरफ जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। यहाँ ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, स्किन रिलेटेड इश्यूज और हार्ट से संबंधित समस्या जिनके भी है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के घर में ही मंगल नीचस्थ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा। और कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति हो कि जहां पर कोई ऑपरेशन करवाना हो तो 2 जन की एडवाइस लेकर काम कीजिएगा। मगर मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद फिर भी स्वास्थ्य के अंदर काफी आपको सुधार होगा। यहाँ शत्रु आप पर हावी कहीं पर भी नहीं हो पाएंगे। मगर ये डिस्प्यूट का घर है तो जहां आप नहीं चाहते वहां पर भी ये झगड़े करवा देता है, तो हो सके वहां तक किसी भी 2 व्यक्तियों के झगड़े में आप पड़ेंगे तो उसमें आप ही फंसेंगे। तो उसमें पड़ने से आपको बचना चाहिए। शांति से चीजों को रिजोल्व कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड जो है 10th हाउस में है, बुध के साथ रहेंगे और शुरू के 15 दिन ये भाग्य स्थान में रहेंगे। मुझे लगा है पति पत्नी मिलकर अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। यहाँ आप अपने लाइफ पार्टनर को आपका वर्किंग पार्टनर भी बना सकते हैं, ये एक बेहतर परिस्थिति है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स थी तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर मैरिज की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके लिए फायदेकारक रहेंगी। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश बुध बनकर दशम भाव में है। देखिए ये जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस के अंदर है तो उनकी स्किल्स डेवलप होगी, रिसर्च डेवलप होगा। डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो भी आपको लाभ होगा। मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका काफी डेवलपमेंट होगा, तो मुझे लगता है एक फायदेकारक परिस्थिति ही है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमे शुक्र बनकर दशम भाव में और फिर 11th हाउस में। देखिए जो एक तरह से कहा जाए कि आपका भाग्य का स्वामी आपके लाभ के स्थान में है, तो 7 से 30 तक फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं। आपको कंटिन्यूस बेस पर आप जिस कार्य में है उसी कार्य को पकड़ के चलिए और उसी के अंदर डेवलपमेंट कीजिएगा। पिता के बिजनेस में है तो बहुत अच्छे लाभ होंगे आपको। और यही चीज है कि विचार मतभेद हो सकते हैं कहीं पर भी, जहां पर भी आप काम करते हैं। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है। शुरू के 15 दिन स्पिरिचुअल कार्यों में आपका योगदान रहेगा और मुझे लगता है एक फायदेकारक परिस्थिति है। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड आपके छठे घर में है मंगल बनकर, तो बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन, बहुत ज्यादा जॉब चेंज या कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उसको आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जहां पर भी स्थित है वहीं पर आप काम कीजिए।
कहीं जॉब नहीं है तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपका काम बनेगा 15 तारीख के बाद। मगर एक चीज मैं डेफिनेट कहूंगी कि सूर्य यहाँ पर आएंगे, बुध यहाँ पर आएंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और लॉ डिपार्टमेंट में है तो बहुत अच्छा है, जो आईटी क्षेत्र वाले हैं उनका बहुत डेवलपमेंट होगा, मेडिसिन क्षेत्र में है बहुत डेवलपमेंट होगा। सुपीरियर्स के साथ कहीं पर भी उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल नीचस्थ है, डिस्प्यूट के घर में है, तो आपको कहीं पर भी सुपीरियर्स से उलझना नहीं है। मगर यह है कि जो आप फाइनेंशियल गेन की बात करते हैं वो आपको डेफिनेट प्राप्त होंगे। यहाँ बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना, ये डिसीजन के लिए समय अच्छा नहीं है, मगर मेहनत का फल आपको डेफिनेट प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़े लोन उठाने से इस महीने खास बचिएगा। इलेवेंथ हाउस की बात करते हैं। इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड गुरु वक्री बनकर बैठा है और यहाँ पर शुक्र आएंगे, एक तरह से कहा जाए 7 तारीख के बाद। तो लाभ के अंदर बहुत अच्छी वृद्धि है, प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से लाभ है, और घर के पीछे आप काफी खर्च भी करेंगे, कुछ अच्छी चीजों में भी आपका खर्च होगा। यहाँ खर्चे डेफिनेटली है मगर पॉजिटिव है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपको बहुत फायदा होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है, यानी कि आपके 12वें घर का स्वामी आपके लग्न के अंदर, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में 15 तारीख के बाद रिलीफ मिलेगा। मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड्स के जो भी वीजा से रिलेटेड काम है उसमें भी 15 तारीख के बाद बहुत अच्छे आपके कार्य बनेंगे। यहाँ एक फॉरेन लैंड से आपको लाभ तो बहुत ज्यादा है, मगर जो मेडिसिन क्षेत्र में है, जो डॉक्टर का एजुकेशन ले रहे हैं, जो आईटी क्षेत्र के अंदर है, उनको बहुत लाभ है। और मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपके लिए लाभ ही लाभ की परिस्थिति है। शनि बकरी से मार्गी होने पर आपको काफी मतलब रिलीफ मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर चीजों में संघर्ष में थोड़ा सा आपके कमी आएगी और काम बनने में आसानी होगी। और ये चीज है कि फाइनेंशियल गेन आपके बने हुए हैं। मंगल नीचस्थ होने की वजह से इस महीने कहीं पर भी विवाद में नहीं पड़ना है, बहुत बड़ा लोन नहीं लेना है, और स्वभाव में शांति रखनी है। इवन 15 तारीख के बाद भी मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के साथ तो बना रहेगा, तो शनि मंगल जब भी दृष्टि संबंध में होते हैं तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड बनाते हैं, तो अपने स्वभाव को शांत रखिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने में आपको नुकसान होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।